हेलो, वेलकम टू ऑल. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको. उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे. सो बहुत आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल लर्निंग विद आशीष गुप्ता में. पिछले दो तीन दिन खूब अच्छे टॉपिक्स आपके सामने रहे हैं. अब जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है, पहले वाले से देखा जाए कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, और पहले वाले में उस वाले में टॉपिक में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. पहले वाला टॉपिक आपके पास क्या था? पहले वाला टॉपिक आपके पास ये था कि अगर डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ध्यान रहे वर्ड पे ध्यान रहे, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो रोटेटिंग डाइपोल में कितना वर्डन करना पड़ेगा, या उसे रोटेट कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, और वही वर्डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता था. आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो हमारे पास डेरिवेशन है, या जो आज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो है एनर्जी ऑफ डाइपोल. अगर डाइपोल बेचारा रखा है, मैं उसे रोटेट ही नहीं करा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो तब उसके अंदर क्या अपनी खुद की एनर्जी होगी? मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा के आपके सामने लास्ट वीडियो में छोड़ा था. हम लोगों ने देखा था जो एक एनर्जी जीरो आई थी, वो कब थी? अगर मैं रोटेट ही नहीं करा रहा हूं, जब मैं रोटेट ही नहीं कराऊंगा तो मैं वर्डन क्यों करूंगा, और जब मैं वर्डन ही नहीं करूंगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर क्यों होगी? लेकिन अगर वो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्या वो कुछ एनर्जी लेके आया है? ध्यान रहे, जो मैथमेटिक्स, ये जो आज का जो टॉपिक है, सिर्फ आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि वाकई ऐसा होता है. हम लोग जो पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसकी रोटेशनल इफेक्ट पढ़ते हैं कि जब वो रोटेट होता है तो उसमें वर्डन होता है. आप जरा ज्यूम करके देखें, वो जो वर्डन हमें करना पड़ा, हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ था. वो फोर्स किसने लगाया हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड ने. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगा रहा है, मैं इसे इधर की तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूं फोर्स लगा के. अगर सोचो, अगर फोर्स ही ना लगे उसके ऊपर तब क्या हो? अगर कैसी कोई कंडीशन हो सकती है कि जिसके ऊपर फोर्स ना लगे, कहीं पर फोर्स ना लगे? हाँ, सही बात है, बिल्कुल एक पोजीशन है कि जहां पर हमारे पास फोर्स ना लगे. फोर्स के एक्सप्रेशन में आप देखते हो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से के कॉन्स्टेंट है, चार्ज तो होंगे होंगे, पक्की बात है. जहां आर, आर कितना हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, वहां पर फोर्स भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी जीरो. तो एक बार जरा पहले देखते हैं कंडीशन को क्या है. सपोज करो यहां पर हमारे पास सारे के सारे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है यहां तक, ये पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं यहां पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस को रखता हूं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो मुझे पहले इनके फोर्स का इफेक्ट जीरो करना है. तो इन फोर्स का इफेक्ट जीरो करने के लिए सपोज करो मैं यहां से बहुत दूर चला गया इन्फिनिटी पोजिशन पे, तो इन्फिनिटी पोजिशन पे मेरे पास फोर्स भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, दोनों जीरो है. ओके, अब इस चीज को इधर आप समझना, ये जितना मैं इस इन्फिनिटी से मैं पास में आता चला जाऊंगा, इसके पास आता चला जाऊंगा, उतना ही ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करता चला जाएगा. ये कोई एक पॉइंट पी है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पहले को यहां पे डाइपोल बनाना है. डाइपोल बनाने के लिए मेरे को दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेके आने हैं. अब इस चीज को जरा आप अच्छे से समझना. सबसे पहले मैं गया जी पॉजिटिव चार्ज के पास. पॉजिटिव चार्ज देखा यहां बैठा है, आराम से इन्फिनिटी पे रेस्ट कर रहा है बेचारा, तसल्ली से मजे में, ना तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना फोर्स का इफेक्ट, कह रहा है मैं तो आराम से बैठा हूं. लेकिन मैंने उसे पकड़ा जबरदस्ती, कह रहा हूं उस पॉजिटिव चार्ज को, चल बेटा. पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हुआ यहां से जी. अब आप जरा सोचें, इस चीज को जरा महसूस करना. ये इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इधर लेके आऊंगा, गौर से सुनना, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर की तरफ इसे लाना चाहूंगा तो इस पर फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा? उससे समझना आप, ये किस डायरेक्शन में लगाएगा? इधर की तरफ. आप सोच के देखो, मैं इसे लिया है जबरदस्ती और यहां पे लाके मैंने इसे छोड़ दिया, तो क्या करेगा? दूर भाग जाएगा, एकदम से भाग के जाएगा. और अगर एकदम से भाग के जाएगा वो तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी. लेकिन हमें तो अपने चार्ज को मूव नहीं कराना है, हमें तो मूव नहीं कराना है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ रहे हैं. हम क्या करते हैं, फिर इस चार्ज को पकड़ते हैं और पकड़ के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि मुझे इस पी पॉइंट तक लाना है, मुझे अभी डाइपोल बनाना है अपना पहले, तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने पकड़ा और लेके चला और पी पॉइंट तक लेके आया. तो इस केस में मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने फोर्स की बात कर रहा हूं. तो मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. वॉट एवर बी द डिस्प्लेसमेंट, वॉट एवर बी द फोर्स, मुझे उससे मतलब नहीं है. हो सकता है फोर्स भी कितने न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का क्या भी हो, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी है, जो डिस्टेंस के बीच का वो माइनस करके हम निकाल सकते हैं. मेन मैटर क्या है? मेन मैटर है मेरा फोर्स भी इधर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर है. तो यहां से इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप लोग वर्क डन आप पढ़ते हैं एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कोस थीटा. तो थीटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर थीटा जीरो है
तो वर्डन आया एफ एस दैट इज पॉजिटिव, और अगर किसी केस में थीटा और ये एफ और एस में बीच में एंगल नेगेटिव हो जाए तो दैट इज माइनस एफ एस, तो वर्डन कैसा हो जाता है नेगेटिव। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे समझे। अब देखिए जरा मेरा फोर्स किधर है, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ जीरो, तो अगर एंगल जीरो है तो हमारे पास वर्डन कैसा होगा पॉजिटिव। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसे मान लेता हूं दैट वर्डन इज पॉजिटिव एक्स, कि एक प्लस क्यू चार्ज को मैं लेके आया और बिठा दिया कि बेटा आ जा तेरी पोजीशन आ गई, यहां से लेके मैं चला था और यहां तक मैं ले आया और यहां से यहां तक लाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज पॉजिटिव एक्स। अब एक नेगेटिव को भी लेके आना पड़ेगा, नेगेटिव भी वही बैठा है सेम मैग्नीट्यूड का है, चलो जी नेगेटिव भी आराम से बेचारा रेस्ट कर रहा था, ये रहा नेगेटिव इसके पास ही बैठा है, यहां पर लेके गए हम नेगेटिव को भी, नेगेटिव भी वहां पर आराम से बैठा, उस पर भी फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसे भी कहा कि बेटा तू चल, तो नेगेटिव को देखते ही तो इसके मुंह में पानी आ जाता है बेचारे के, वो कहता है अच्छा नेगेटिव आ रहा है बेटे आ जा तू, तो नेगेटिव को जितना मैं पास ला रहा हूं ये उससे इतनी स्पीड से खींचने को तैयार बैठा है। तो अब जरा इस चीज को आप समझना, मुझे लेके आना इस पी पॉइंट तक ही पहले, इस पी पॉइंट तक। अब आप सोचे नेगेटिव को जितना मैं इधर लेके जाऊंगा, अगर सपोज करो मैं नेगेटिव को यहां तक लाया और उसे छोड़ दिया तो ये अपने पास खींच लेगा, नहीं खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव को बुला लेगा। तो मुझे अगर यहां तक लेके आना है तो मुझे इसे रेस्ट में रहते रहते थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करते करते फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इधर की तरफ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ। और फोर्स को जिस तरीके से जब आप इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक ढलान वाली कंडीशन है और ढलान वाली कंडीशन में आपको एक रोलिंग चीज लेके आप उतर रहे हैं तो आपको फोर्स पीछे की ओर लगा के रखना पड़ता है और धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर देना होता है। सेम कंडीशन से कुछ कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे ले सकता हूं। तो आपको माइनस क्यू को जब आपको यहाँ पे लेके आना है तो फोर्स आपको किधर लगा के रखना पड़ेगा, आप जो लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगा रहा है अपने पास, इसी तरह पहले केस में अलग था, मैं अपने फोर्स की बात कर रहा हूं, मुझे किधर लगा के रखना पड़ेगा इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है इधर, यानी कि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए फोर्स भी इधर था डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, नेगेटिव के लिए भाई साहब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180, और अगर थीटा अगर 180 हो जाए तो वर्क डन कितना होगा, कैसा होगा नेगेटिव, इट्स मींस वर्क डन यहां पर कैसा है ये पॉजिटिव एक्स। तो यहां तक लाने में पी पॉइंट को, पी पॉइंट तक नेगेटिव वैल्यू को लाने में वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव एक्स, क्योंकि वैल्यू सेम है चार्ज की और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो इट्स मींस अगर मैं अब यहां पर देखूं ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज दोनों को मैं लाके मैंने पॉइंट पी पर मैंने बिठा दिया है, तो पॉइंट पी तक आने तक टोटल वर्क डन, इसका वर्क डन पॉजिटिव एक्स, इसका वर्क डन नेगेटिव एक्स, यानी कि हमारे पास वर्क डन हमने दोनों को निकाल लिया है और ये वर्क डन पॉजिटिव और ये वर्क डन नेगेटिव अभी कहां तक आया पॉइंट पी पे। क्या ये हमारे पास अगर मैं देखूं मैं इसकी बात करूं तो क्या ये वर्क डन हमारे पास जीरो हो गया है क्या, अगर मैं देखूं पॉइंट पी तक की मैं बात करूं क्या ये वर्क डन हमारे पास जीरो हो गया है, अगर यहां पे दोनों टोटल वर्क डन दैट इज द जीरो, क्या डाइपोल बन गया है, नहीं ये अभी डाइपोल हमारे पास नहीं बना है। तो डाइपोल बनाने के लिए अभी हमारे पास क्या कंडीशन होगी, तो आंसर है ये जो माइनस क्यू यहां पर मैं लेके आया ना इसके पास की, ये जो मैं माइनस क्यू लेके आया इसे और इनके बीच में मुझे 12 का सेपरेशन मुझे देना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 12 का सेपरेशन मैं दूंगा तो क्या होगा, ये माइनस क्यू चार्ज मैं इसे अब उठा के, अब गौर करना मेरे को माइनस क्यू को यहां तक लेके आना है कितने सेपरेशन तक 12 सेपरेशन पे, तो आपको ये वाला वर्क डन और देना पड़ेगा डाइपोल बनाने के लिए, अभी डाइपोल नहीं बना जी, डाइपोल जब बनेगा तब आपको उसके अंदर वहां पर आपको एक एक्सप्रेशन आपको देना है वो कितना वर्क डन अपने पास होगा। अब आप इस चीज को सोचे, अब माइनस क्यू चार्ज को आप और आगे लेके जा रहे, माइनस क्यू को यहां तक लाए थे आपको जितना तक लगाना पड़ता अभी और लगा, माइनस क्यू चार्ज को अब मुझे यहां से यहां तक लेके जाना है डाइपोल बनाने के लिए 12 सेपरेशन पे, तो अब आप देखें इस पे और कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, कि जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा क्यों, अब फोर्स मुझे फोर्स अभी मेरा इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की साइड है, मुझे यहां तक लेके जाना है, क्या आप उस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस वर्क डन की वैल्यू को, बिल्कुल कर सकते हैं, W3 मैं उसे नाम देता हूं दैट इज एफ डॉट एस, अगर मैं बात करूं सो अगर बात करें तो एफ एस कोस थीटा, इट्स मीन्स एफ एस कोस 180, ध्यान रहे इस चीज का, कोस 180 है इनके बीच में, तो वर्क डन कितना होगा माइनस एफ इंटू एस, तो माइनस एफ फोर्स कितना होगा, अब इस माइनस क्यू चार्ज पर जो हमारे पास फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा दैट विल बी क्यू इंटू ई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं फोर्स का केवल, जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगा ये कितना डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द 12, ये क्यू इंटू 12, ये जानी पहचानी सी टर्म आपको लग रही होगी,
क्यू इंटू ट्वेल्व, हाँ पी है भाई, तो डब्ल्यू थ्री कितना बना अपने पास, माइनस पी इंटू ई। इट्स मीन्स एक डाइपोल बनने तक, एक डाइपोल बनने तक, ऐसे नहीं बनता डाइपोल, आपको एक ऐसी कंडीशन में चार्ज को लाना होता है जहां पे फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर, तो आपको ऐसे फील्ड में लेके जा रहे हो कि जहां पे फोर्स लगाना है, तो तब कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। तो अगर मैं देखूं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, इट्स मींस पॉजिटिव x नेगेटिव x माइनस PE, इट्स मींस टोटल वर्क डन हुआ माइनस PE। यानी कि जब तक डाइपोल बनेगा, जब डाइपोल बनेगा उस टाइम पे, डाइपोल बनने के बाद में उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, माइनस PE। अब आप इसे रोटेट करा लो, कुछ भी करा लो, वो एडिशनल एनर्जी इसके अंदर वो ऐड होती चली जाएगी, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, ध्यान रहे इस चीज का। कल का जो डेरिवेशन हमने किया था और ये जो डेरिवेशन हमने किया है, ये अलग अलग चीज है। वो डाइपोल रखा है, उसे आप रोटेट करा रहे हो, हम वो एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। यहां पर अब डाइपोल जो बन गया, इसके बनने में कितनी एनर्जी लगी है, ये वो है कितना वर्क डन करना पड़ा है। अब जितना आप रोटेट कराएंगे वो एनर्जी इसमें ऐड होती चली जाएगी। तो एक बार आप देख लेते हैं टोटल एनर्जी रोटेटिंग के साथ कितनी होगी, वो अब कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। एक बार जरा देखते हैं उस एक्सप्रेशन पे कितना वो निकल के आता है। ध्यान रहे इनिशियल स्टेज में कितनी रहेगी हर केस में इसके पास, माइनस पी। तो देखते हैं अब जरा क्या होगा। सबसे पहला केस था हमारे पास जब दोनों के दोनों पैरेलल थे, जब दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल थे। मैं केस जरा बना लेता हूं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, डायग्रामिकली कंडीशन, दिस वाज द डायग्रामिकल पिक्चर, दैट इज ई, और दैट वाज आर डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन टू आर, ठीक है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे। केस सेकंड, मैं एक बार पिक्चर इनका मैं ड्रॉ कर लेता हूं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, इट्स मीन्स दैट इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस वन इज आर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज आर डाइपोल, दैट इज वन माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू, और दैट इज टू आर, दैट इज वेक्टर ई। ओके, एंड द लास्ट वन इज केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, जब थीटा 180 है तो डायग्रामिकली जरा एक बार रिप्रेजेंट कीजिए। मैं इसे U इज इक्वल टू माइनस पी को मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो इसकी इनिशियल एनर्जी है। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ द डाइपोल इज लाइक दैट, प्लस Q एंड माइनस Q, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द, ओके, ये हमने रोटेशन पोजिशन है। अब जरा देखते हैं, पहले एक बार जरा इनकी इनिशियल एनर्जी मैं लिख लेता हूं जो सबके पास रहेगी, यानी कि U इनिशियल ओके। सेकंड, यहां पर हमारे पास यू रोटेटिंग, रोटेट करने के बाद कितनी आई थी, और यहां पर मैं अब लिखूंगा इनकी टोटल एनर्जी। ये तीन काम अपने को देखना है, पहले केस में, दूसरे केस में, और फिर तीसरे केस में। ओके, इनिशियल एनर्जी तीनों के पास कितनी है, माइनस पी, जब आप रोटेट नहीं कर रहे हो कुछ भी, वो आराम से बेचारा बैठा हुआ है। ओके, अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहली कंडीशन, जब थीटा जीरो था, आप रोटेट नहीं कर रहे हो, थीटा जीरो नहीं था, यू रोटेशन एनर्जी कितनी आई थी, जीरो, इसका मतलब टोटल कितनी हुई, माइनस पीई प्लस जीरो, दैट इज माइनस पी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपना पिछला डेरिवेशन आप जाके चेक करना, जब आपने उसे 90 डिग्री रोटेट किया था, जीरो से 90 डिग्री रोटेट, ध्यान रहे वर्ड पे, जीरो से 90 डिग्री रोटेट, एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास, वो सोलो के पी। तो इस टाइम जो टोटल एनर्जी डाइपोल के अंदर होगी, दैट इज द जीरो, माइनस पी प्लस पीई, दैट विल मेक जीरो एनर्जी, ध्यान रहे इस चीज का। लास्ट वन, जब आपने 180 रोटेट कर दिया था पूरा, तो टोटल हमारे पास कितनी आई थी, 2 पी, इसका मतलब यहां पर कितनी रही हमारे पास, माइनस पीई प्लस 2 पी इज इक्वल टू पीई। ये है डाइपोल की टोटल एनर्जी। लेकिन हमारे पास जो मैथमेटिकल काम की हमें जो जरूरत पड़ती है, पिछले वीडियो में जहां तक हमने देखा था, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हमें मतलब नहीं होता कि डाइपोल कितनी एनर्जी लेके आता है, हमें मतलब होता है कि डाइपोल को जब हम रोटेट करा रहे हैं तब उसमें एनर्जी स्टोरेज उसके अंदर कितना हो रहा है वो रोटेट करते टाइम। तो दैट्स देयर दिस वन, जीरो पी और
टोपी। और ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आज का वीडियो था टोटल, कि अगर डाइपोल बना है तो वो भी अपनी एक एनर्जी लेके आता है जो कि माइनस पी माइनस पी माइनस पी हर केस में उसकी रहेगी। जब आप जीरो पे है तो माइनस पी ही रहेगा, जीरो से 90 कराओगे तो दैट इज टोटल जीरो हो जाएगी, और अगर आप इसे इतना कराएंगे तो दैट इज पी हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी इन ए डाइपोल। इसके अलावा एनर्जी का अब आपका कोई भी चीज इसके अंदर नहीं बचा है। आपसे डाइपोल में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट उसका, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन उसका एट एनी पॉइंट। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या उसमें टॉर्क भी लगता है, फिर पूछ सकता है कि इसके अंदर रोटेशन में वर्क डन कितना होता है और उसकी एनर्जी स्टोर कितना होता है। ये टोटल एनर्जी वाला बहुत ही रेयर केस में आपसे पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी उसके अंदर कितनी रहेगी। आपसे जो पूछा जाएगा लर्नर पे जो प्रीवियस वीडियो थी वहां तक ही आपसे वो पूछा जाता है। ओके सो आप लोग ये अपना काम अपना अच्छे से आप करते रहिए। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक, नए साइंटिस्ट के साथ, नई चीजों के साथ, जो कि एक बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में एक क्रांति से ला के रख देगा। और वहां से क्वेश्चन भाई साहब अब तक तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स चल रहे थे, वहां का जो क्वेश्चन आना है पक्की बात है 5 मार्क्स का आता है, तो मोस्टली टाइम्स आता है। ओके तो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।